चलिए लेट्स स्टार्ट रीडिंग 52nd प्रॉब्लम. डिटरमाइन पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल इनिशियली कंटेनिंग 1 लीटर ईच ऑफ 1 मोलर कॉपर आयन एंड 1 मोलर जिंक आयन आफ्टर पैसेज ऑफ 0.1 माइक्रो कूलम्स ऑफ चार्ज. देखिए नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. डैनियल सेल कॉपर जिंक सेल होता है. कॉपर एट कैथोड, जिंक एट एनोड. हमने 1 लीटर कॉपर आयन लिया 1 मोलर और 1 लीटर ही 1 मोलर जिंक आयन लिया और इसका पहले इलेक्ट्रोलिसिस करा. इसमें हमने 1 माइक्रो कूलम चार्ज पास करा और फिर उसके बाद फाइनली उसका ईएमएफ क्या होगा. मैं सिचुएशन पहले डिस्क्राइब कर देता हूं. यह कॉपर रॉड, यह जिंक रॉड, यह जिंक और 1 मोलर जिंक आयन और यह कॉपर 1 मोलर कॉपर आयन इस तरह से कनेक्टेड है. सबसे पहले क्या करा, बैटरी से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाकर इसका थोड़ा चार्जिंग कर. ऑल्दो इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो यह होती है, जिंक रिएक्ट विथ कॉपर आयन टू गिव यू जिंक आयन एंड कॉपर. दिस इज स्पॉन्टेनियस गैल्वेनिक सेल रिएक्शन. यह स्पॉन्टेनियस गैल्वेनिक सेल रिएक्शन है. मगर हमने क्या करा, इस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करने की बजाय हमने नॉन स्पॉन्टेनियस रिवर्स रिएक्शन करवाई और वो एक एक्सटर्नल बैटरी लगाकर. जिंक को हमें रिड्यूस करना है तो इस तरह से हमने बैटरी कनेक्ट कर दी. इस तरीके से एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करने से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, रिवर्स रिएक्शन हो रही है. अब इस जगह पर एक्सटर्नल बैटरी की वजह से जिंक रिड्यूस हो रहा है और कॉपर आयन, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है. दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दैट ऑकर व्हेन वी कनेक्टेड अ एक्सटर्नल बैटरी. एक्सटर्नल बैटरी से हमने रिवर्स रिएक्शन कराई. यू मे ऑल्सो कॉल इट चार्जिंग ऑफ डैनियल सेल. इस तरह से आप डैनियल सेल का चार्जिंग कर रहे हो, उसमें मेटालिक जिंक बना रहे हो, ऑक्सीडाइजेबल मेटालिक जिंक बना रहे हो और रिड्यूसिबल कॉपर आयन बना रहे हो. अब इनिशियली मैं इनिशियल कंडीशन लिखता हूं. इनिशियली वहां पर 1 लीटर 1 मोलर कॉपर आयन मींस 1 मोल जिंक आयन है और 1 मोल ही कॉपर आयन है. इनिशियली कॉपर और जिंक की इनिशियल मात्रा जानने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि और फाइनली मात्रा जानने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि उनका एक्टिव मास वन रहता है. अब इसमें 1 माइक्रो कूलम चार्ज पास करा. 1 माइक्रो कूलम चार्ज मतलब क्या, इधर लिखता हूं. 1 माइक्रो कूलम मींस 1 × 10⁻⁶ कूलम्स. 1 × 10⁻⁶ कूलम्स. दिस मच कूलम्स मींस हाउ मेनी फैराडेज.
This is equal to 1 into 10 to the power minus 6 upon 96500. Faradays, इतने Faradays हैं. This much Faradays means this is equal to number of equivalents. इतने कूलम्स चार्ज सर्किट में पास होना, 1 माइक्रो कूलम सर्किट में चार्ज पास होना मींस 10 टू पावर माइनस 6 कूलम्स सर्किट में चार्ज पास हो रहे हैं. इतने चार्ज सर्किट में पास हो रहे हैं मतलब इतने फैराडे चार्ज सर्किट में पास हो रहे हैं. एक फैराडे से एक इक्विवेलेंट सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइज होता है, इतने फैराडे से इतने ही इक्विवेलेंट. दिस इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइज्ड. इतने इक्विवेलेंट जिंक आयन होंगे, इतने ही इक्विवेलेंट कॉपर आयन होंगे. अब हम कहते हैं मोल्स ऑफ जिंक आयन डिक्रीज्ड. जिंक आयन तो कम होंगे, तो कितने मोल्स जिंक आयन के कम होंगे? जिंक आयन दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय जिंक आयन इज 2. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. इतने इक्विवेलेंट है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 96500 इंटू 2. हाँ, अच्छा 0.1 है पैसेज ऑफ 0.1 माइक्रो कूलम्स, तो मैं इधर 0.1 माइक्रो कूलम्स कर देता. बिल्कुल सही, 0.1 माइक्रो कूलम्स. This is the moles of zinc ion that would decrease during this phenomena. और इस phenomena के दौरान copper ion increase होंगे, बढ़ेंगे. कितने moles of copper ion increase होंगे? Moles of copper ion increased. Number of equivalent तो copper ion के बीच नहीं रहेंगे. और copper ion भी दो ही electron transfer कर रहे हैं. Number of equivalent अपॉन 2, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इतना है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इतना, इतने मोल्स कॉपर आयन के इंक्रीज हो जाएंगे. अब फाइनली जिंक आयन के मोल रह जाएंगे 1 माइनस जो डिक्रीज हुआ है 10 टू द पावर, जरा एक बार देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4 तो 10 टू पावर माइनस 3 अपॉन 9.65 इंटू 2 और कॉपर आयन के कितने मोल्स बढ़ जाएंगे? 1 प्लस, इतने मोल्स इंक्रीज हुए 10 टू पावर माइनस 3 अपॉन 9.65 इंटू 2. अब 1 माइक्रो कूलम्स चार्ज पास करने के बाद जिंक आयन के इतने मोल्स होंगे और कॉपर आयन के इतने मोल्स होंगे. दोनों जगह 1 लीटर सॉल्यूशन लिया है तो जो मोल्स दिख रहे हैं वही मोलारिटी होगी क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है. अब जिंक आयन के इतने मोल से कॉपर आयन के इतने मोल. अब चार्जिंग बंद कर दिया, बैटरी हटा दी, चार्जिंग बंद कर दिया, बैटरी हटा दी. अब जो गैल्वेनिक सेल बनेगा उसका ईएमएफ कितना होगा? अब जो गैल्वेनिक सेल बनेगा उसका ईएमएफ कितना होगा? तो सबसे पहले डैनियल सेल का स्टैंडर्ड ई नॉट हम लिख सकते हैं. स्टैंडर्ड ई नॉट ऑफ डैनियल सेल वुड बी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर. दिस स्टैंडर्ड ईएमएफ वुड बी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक दे रखा है, उन्हें रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक दे रखा है, उसको उलट दीजिए, माइनस कर दीजिए तो प्लस 0.76
कॉपर का हमने रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है 0.34, सो दिस इज 1.1 वोल्ट. दिस इज इनॉक, दिस स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ डेनियलसन. इसके लिए किसी भी रैंडम कंडीशन पर मैं नर्स्ट इक्वेशन लिखूंगा, E इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591/2 लॉग ऑफ जिंक आयन कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर आयन कंसंट्रेशन. मैं नर्स्ट इक्वेशन लगा देता हूं, ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज ई नॉट की जगह लिख देता हूं 1.1 माइनस 0.0591/2 लॉग ऑफ जिंक आयन कंसंट्रेशन. मैंने निकाल लिया है 1 minus 10 to the power minus 3 upon 19.3, और नीचे 1 plus 10 to the power minus 3 by 19.3. सॉल्व इट टू गेट द ईएमएफ ऑफ दिस सेल. बड़े ध्यान से प्रॉब्लम को करने का तरीका समझे, यह समझे कि क्या लॉजिक है, प्रॉब्लम में क्या डेटा दिया था, किस तरह से प्रेजेंटेड था, उसको कैसे पढ़ा, कैसे उसका मतलब निकाला और किस तरह से सॉल्व करा. बड़े ध्यान से देखो इसको. लेट्स स्टार्ट रीडिंग 42nd प्रॉब्लम. 42nd प्रॉब्लम अब इसी समय पढ़ना चालू करते हैं. व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज डिसॉल्वड इन लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया, practically all silver ion can be assumed to exist in the form of single ionic species AgX NH3Y and having charge of plus X. Compute the values of X and Y using the following two cells. Now, very beautiful problem. जरा ध्यान से समझे इसमें क्या करना है. सबसे पहले उन्होंने कह दिया सिल्वर आयन को यदि हम एक्सेस अमोनिया में डालें तो लगभग सारा सारा सिल्वर आयन कॉम्प्लेक्स बना लेता है और वह कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है AgX NH3 Y and plus X, मतलब X Ag और Y अमोनिया. X और Y कैलकुलेट करना है और दो सेल दे रखे हैं. ऑल दो यदि एग्जामिनेशन में सवाल आ जाता ना तो तुम्हें आगे कुछ नहीं करता, मैं तो सीधा सीधा मुझे अच्छी तरह से पता है सिल्वर अमोनियम क्लोराइड दैट इज AgNH3 whole twice Cl. तो मैं Ag का एक आयन, अमोनिया के दो आयन, X=1, Y=2 और AgNH3 whole twice और प्लस वन सीधा मार्क कर देता, क्योंकि मुझे पता है मैंने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ रखा है, इतना आइडिया है मुझे. मुझे शायद प्रॉब्लम सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट एट दिस स्टेज इट्स नॉट. अभी जो हम समझाना चाह रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन का आपका नॉलेज नहीं, अभी हम समझाना चाह रहे हैं कि आपको गैल्वेनिक सेल का नॉलेज है या नहीं, गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना आता है या नहीं, उस पर प्रॉब्लम को सॉल्व करना आता है या नहीं, अभी हम यह समझाना चाहते हैं. तो लेट्स ट्राई टू कंक्लूड दिस आंसर. X=1 कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं और Y=2 कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं. चलिए इसी समय हम अब जो दो सेल दे रखे हैं उनको देखते हैं. सेल ए दे रखा है Ag, वहां कैसे लिखा हुआ है मैं एग्जैक्टली वैसे नहीं लिखूंगा, उस वो जो लिखा हुआ है उसको भी मैं प्रॉपर तरीके से लिखूंगा जिससे मुझको समझ में आए. 0.4 × 10⁻³ मोलर AgCl कॉमा करके 1 मोलर अमोनिया. ये कंसंट्रेशन नीचे भी लिखे जा सकते हैं. फिर यह सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज के बाद 40 × 10⁻³ मोलर AgCl कमा करके
वन मोलर अमोनिया और सिल्वर कैथोड, और इसका ई नॉट हमने दे दिया, इसका ई ऑफ सेल हमने दे दिया, इसका ई ऑफ सेल दिया है 0.1185 वोल्ट एट 298 केल्विन। चलिए क्यों ना सबसे पहले इसी सेल को समझे, उसके बाद दूसरा सेल पढ़ते हैं। और दो जो फिगर मैं बना रहा हूं वो दिमाग में बनना चाहिए, इस तरह से एक एनोड हाफ सेल, एक कैथोड हाफ सेल, दोनों हाफ सेल में सिल्वर इलेक्ट्रोड डिप करी हुई है, यह भी सिल्वर इलेक्ट्रोड, यह भी सिल्वर इलेक्ट्रोड, सुटेबल सॉल्ट ब्रिज कनेक्टेड है वोल्ट मीटर से, यह मैं देखा जा रहा है। और इधर जो है एनोड हाफ सेल में वन मोलर अमोनिया और उसके साथ में AgCl और इसका कंसंट्रेशन है 0.4 × 10⁻³। और सेकेंड हाफ सेल में वन मोलर अमोनिया के साथ में AgCl है जिसका कंसंट्रेशन है 40 × 10⁻³। अब लगभग सारा सारा AgCl अमोनिया के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लिया है। इधर जो रिएक्शन होगी वो यह होगी दोनों ही हाफ सेल में, दोनों हाफ सेल में, और वहां पर Ag पॉजिटिव नेग्लिजिबली बचेगा और अमोनिया का कंसंट्रेशन भी वन मोलर अमोनिया है और उसमें 10⁻³ के रेंज में यदि अमोनिया चला भी जाए तो नियरली हम इसका कंसंट्रेशन वन मोलर ही कहेंगे, अमोनिया का भी फाइनली कंसंट्रेशन वन मोलर ही कहा जाएगा नियरली। क्योंकि वन मोलर अमोनिया से 10⁻³ मोल्स के रेंज में अमोनिया कम भी हो जाता है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, जबकि कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय एक्स, क्योंकि एक्स मोल एजी पॉजिटिव एक मोल कॉम्प्लेक्स का देते हैं, एक मोल एजी पॉजिटिव 1/x मोल कॉम्प्लेक्स का देंगे, तो जितने भी मोल आपने AgCl लिए हैं इतने मोल कॉम्प्लेक्स के बन जाएंगे और एजी पॉजिटिव नेग्लिजिबली कुछ बचा रह जाएगा। केएसपी वैल्यू एजी की AgCl की नहीं दे रखी है बट येट हम चलिए काम करते हैं। और अब वहां पर जो रिएक्शन होगी गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शन होनी है दैट इज, मैं दूसरा सेल भी एक बार स्टडी तो कर ही लूं क्योंकि एजी और 10⁻³ मोलर AgCl वन मोलर अमोनिया 3 × 10⁻³ मोलर AgCl और 0.1 मोलर अमोनिया विथ Ag
और इधर दिया इन लोगों ने ई ऑफ सेल, ठीक है ठीक है। तो केएसपी वैल्यू क्यों ना इधर से, इधर कुछ एजी पॉजिटिव कंसंट्रेशन है ना, इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट इधर मैं कहता हूं एजी पॉजिटिव, दिस वुड बी द गैल्वेनिक सेल रिएक्शन जिसमें एनोड पर एजी ही ऑक्सीडाइज होएगा और कैथोड पर एजी पॉजिटिव ही रिड्यूस होएगा और एजी पॉजिटिव एट कैथोड वुड गिव यू एजी पॉजिटिव एट एनोड। दिस इज द गैल्वेनिक सेल रिएक्शन। और ई नॉट ऑफ सेल वुड बी जीरो, इस सेल के लिए ई नॉट की वैल्यू जीरो होगी और सेल ईएमएफ फाइनाइट इसलिए बनेगा क्योंकि कैथोड पर और एनोड पर एजी पॉजिटिव कंसंट्रेशन में डिफरेंस होएगा। ई ऑफ सेल वुड बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.05911/1 इंटू लॉग ऑफ एजी पॉजिटिव एट एनोड अपॉन एजी पॉजिटिव एट कैथोड। दोनों सेल में एजी पॉजिटिव कंसंट्रेशन में डिफरेंस आएगा इसलिए यह ईएमएफ ऑफ सेल है दोनों ही पार्ट ए में भी और पार्ट बी में भी। दिस वुड बी द बेसिक कंसेप्ट। अब हमें इन दोनों सेल की कंडीशन से दो इक्वेशन बनानी है x और y के लिए और फिर उन दोनों को सॉल्व करना। इधर मैं फिर कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं करता हूं, पहले तो लिखता हूं 1 माइनस यदि इसके a मोल से, इसके a मोल से तो 1 माइनस इसके नेग्लिजिबल एजी पॉजिटिव कंसंट्रेशन और इधर मोल्स के टर्म में लिखता हूं मैं ए अपॉन एक्स। अलग अलग कंडीशन में मोल्स दे रखे, इसके यदि ए मोल्स है और इसका वन मोलर है तो नेग्लिजिबल ही बचेंगे, इसको जीरो नहीं कह सकते। 1 माइनस 2a नहीं, 1 माइनस y बाय x इन टू ए और इधर a बाय x। फिर हम कहेंगे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिल्कुल फिक्स है, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले केस में जो बनेगा वह a बाय x मींस 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर बाय x अपॉन Ag पॉजिटिव एट एनोड टू द पावर x। और इसको तो फिर भी नियरली 1 तो लिखा ही जा सकता है, फिर भी इसको 1 ही लिखूंगा अदरवाइज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन।
यह इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुआ, एक्टिव मास ऑफ दिस और एक्टिव मास ऑफ दिस स्क्वायर और दिस टू द पावर वाई। अब सेम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वुड होल्ड एट कैथोड सेल, कैथोड सेल में भी यह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, तो वहां पर मैं क्या लिखूंगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू 40 into 10 to the power minus 3, वहां 40 into 10 to the power minus 3 मोल से upon x whole upon Ag positive at cathode to the power x into 1 to the power y। Observe this. इसे हम सॉल्व कर सकते हैं x से x कैंसल्ड, 10 टू द पावर माइनस 3 से 10 टू पावर माइनस 3 कैंसल्ड, एक जगह 0.4 एक जगह 40 है, ठीक है, और 1 टू द पावर y कैंसल्ड, और इधर से आ जा रहा है Ag पॉजिटिव एट एनोड टू द पावर x अपॉन Ag पॉजिटिव एट कैथोड to the power x, this is equal to 0.4 upon 40 or 1/100. यह Ag positive at anode upon cathode, इस value को मैं इधर substitute कर देता हूं, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, E ऑफ सेल मुझे दिया हुआ है, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, E ऑफ सेल हमें दिया हुआ है 0.1181 इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग ऑफ, Ag पॉजिटिव this to the power 1 by x, 1 by 100 to the power 1 by x or 0.1181 is equal to 0.0591 upon x into log of 100 or this is 0.1181 into the log to the base 10 है, तो 0.0591 upon x into 2, which imply x is equal to 1. Observe this. ये हमने पहले सेल की कंडीशन को देखकर उससे सॉल्व करा, अब दूसरे सेल की कंडीशन को देखकर हम वाई के लिए कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। पहले इसे बड़े ध्यान से समझ लीजिए, जो ऑलमोस्ट काफी कुछ मुझे साफ करना पड़ेगा वाई निकालने के लिए, मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं। देखो सही बताया तो ऐसे सवालों में बड़े ध्यान से सोचना पड़ता है कि अगर क्या करें, और ये सवाल दे आर एट अल्टीमेट लेवल, जेई में इस तरह के सवाल सारे नहीं होते, मगर 7-8 सवाल हमेशा इस लेवल के होते हैं, और यही सवाल है जो टॉप 10 टॉप 100 को डिफरेंशिएट कर देते हैं, इस तरह के सवाल जो कर देता है वो टॉप 10 टॉप 100 में आ जाता है। ये सचमुच में गैल्वेनिक सेल के, क्योंकि इसमें फ्यूजन है, आयोनिक इक्विलिब्रिया और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों को का एक हाइब्रिड सवाल बनाया हुआ है। पहले कंडीशन को देखते, दोबारा सवाल को समझते और करने के तरीके को, क्योंकि आप देखें कुछ 2-4 मिनट तो मैं भी सोचता सा रह गया कि इसको कैसे करूं, मैंने भी
एक बार सोचा है, एक बार दूसरा जो कंडीशन दी हुई है उसको भी एक बार ध्यान से देख लिया जाए। एक बार तो मैं भी कंफ्यूज हुआ कि कहीं केएसपी वैल्यू या कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कहीं मिसिंग तो नहीं है, शायद वो डेटा दिया हो तो थोड़ा और तेजी से प्रॉब्लम हो जाए। तो दो चार मिनट के लिए तो मैं भी सोचता सा रह गया कि इसको कैसे करूं। तो ध्यान से देखें, उनने सबसे पहले तो एक यह कहा कि भाई सिल्वा यदि एजीसीएल में एक्सेस अमोनिया पास कर दी जाए, ये हम काम करते भी हैं लेबोरेटरी में, सिल्वर आयन के टेस्टिंग के लिए, क्लोराइड आयन के टेस्टिंग के लिए, लेसिग्नेस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोराइड आयन होता है तो हम सबसे पहले सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट में NaCl बन जाता है, NaCl को AgCl से AgNO3 डाल के AgCl बना लेते हैं, फिर AgCl के डिटेक्शन के लिए अमोनिया पास करते हैं, AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है, यदि अमोनिया पास कर दिया जाए तो व्हाइट प्रेसिपिटेट फिर डिसअपीयर हो जाता है क्योंकि उसका कॉम्प्लेक्सेशन बनता है। तो थोड़ा हमने जगह जगह पर इस रिएक्शन को पढ़ रखा है, हमने सिल्वर आयन के डिटेक्शन में भी यह रिएक्शन देख रखी है, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोराइड के डिटेक्शन के लिए लेसिग्नेस टेस्ट लगाते समय वहां भी यह रिएक्शन देख रखी है, हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी यह रिएक्शन देख रखी है। तो यह रिएक्शन तो एक ऐसी रिएक्शन है विच मस्ट बी वेल फेमिलियर टू यू, जिसमें हम कह रहे हैं कि AgCl में जब भी एक्सेस अमोनिया पास करा जाता है तो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब यदि Ag पॉजिटिव के X आयंस पार्टिसिपेट करते हैं, अमोनिया के Y मोल्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो AgX अमोनिया Y हैविंग अ चार्ज ऑफ प्लस X। अब इनने पूछा है कि X और Y की वैल्यू क्या है, सोच समझ कर कैलकुलेट करके बताइए और इसे बताने के लिए नीचे दिया गया डेटा इस्तेमाल कीजिए। दोबारा मैं बता दूं, यदि मुझसे एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाता तो मैं नीचे का तो डेटा कुछ देखता ही नहीं, मैं तो सीधा मार्क कर देता कि x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, क्योंकि मैं जानता हूं 1 मोल ऑफ Ag पॉजिटिव आयन कंबाइंड विद 2 मोल ऑफ अमोनिया टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ऑफ AgNH3O2 पॉजिटिव, जब Cl होता है। यदि एग्जामिनेशन में आता तो शायद मैं कुछ नहीं करता, बस मगर फिर भी इस प्रॉब्लम को समझाना है, इस कंसेप्ट को समझाना है, इसलिए मैं आगे दिए गए गैल्वेनिक सेल को बड़े ध्यान से पढ़ा। एजी एनोड जो दी गया सेल है एजी एनोड, इसमें एनोड हाफ सेल में AgCl डाला गया है, AgCl का कंसंट्रेशन दिया गया है 0.4 × 10⁻³ मोलर, साथ में डाला गया है 1 मोलर अमोनिया। यह एनोड हाफ सेल, यह एनोड हाफ सेल एजी इलेक्ट्रोड, एनोड हाफ सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में 1 मोलर अमोनिया और साथ में AgCl जिसका यह कंसंट्रेशन। सॉल्ट ब्रिज 298 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कोई सा भी सॉल्ट ब्रिज हो सकता है, KCl का सॉल्ट ब्रिज दिया होगा किसी का भी। यह कैथोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल में मैंने सही तरीके से लिखा 40 × 10⁻³ मोलर AgCl, 40 × 10⁻³ AgCl, इसमें 1 मोलर अमोनिया और Ag। इस गैल्वेनिक सेल का EMF दिया हुआ, मैंने सबसे पहले इसे समझ लिया। यह चीज हमें बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, जब हम यह चीज पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में यह चीज बन जाना चाहिए, इसी को हम एप्टीट्यूड कहते हैं। हम जो चीजों को पढ़ते हैं उनका पिक्चर दिमाग में बनाना जानते हैं। अब तो हमने सोचा कि भाई इसमें रिएक्शन क्या हो रही होगी, सिल्वर के कैथोड है, सिल्वर आयन ही सॉल्यूशन में, ऑक्सीडाइजेबल भी सिल्वर है, रिड्यूसिबल भी सिल्वर है, एनोड पर सिल्वर ही ऑक्सीडाइज होना चाहिए, कैथोड पर सिल्वर ही रिड्यूस होना चाहिए, सिल्वर का एक्टिव मास तो 1 होता है किसी भी केस में, मतलब सिल्वर आयन एट कैथोड, यह एनोड रिएक्शन है, यह एनोड रिएक्शन है और यह कैथोड रिएक्शन है। तो सिल्वर आयन एट कैथोड मस्ट बी गिविंग यू सिल्वर आयन एट एनोड, यह रिएक्शन हो रही होगी।
सिल्वर आयन एट कैथोड मस्ट बी गिविंग यू सिल्वर आयन एनोड, यह रिएक्शन है क्योंकि सिल्वर ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, सिल्वर ही रिड्यूस हो रहा है, इसलिए ई नॉट ऑफ सेल को जीरो होना चाहिए। अब लास्ट इक्वेशन लिख दी मैंने इसके लिए, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल जो कि जीरो है माइनस 0.0591 बाय 1, एक इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है इसलिए बाय 1, लॉग ऑफ एजी पॉजिटिव एट एनोड अपॉन एजी पॉजिटिव एट कैथोड। यह जनरलाइज पूरे प्रॉब्लम में यह सारा कंसेप्ट तो जनरलाइज है पूरे प्रॉब्लम में, हर जगह पर यह चीज है। नीचे मैंने बी पार्ट भी देख लिया है, वहां पर भी कुछ इसी तरह की बात कह रखी है, तो ये जनरलाइज कंसेप्ट होगा, देख रख दिया। अब एक और जनरलाइज कंसेप्ट, इसे लिखते समय थोड़ा मैंने सोचा था क्या करूं कैसे करूं, जितना भी मोल एजी पॉजिटिव का है क्योंकि वो सारा सारा कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इसलिए इसके एक्स मोल से एक मोल बनना है, तो कहीं पर भी यदि ए मोल होएगा तो इसका ए बाय एक्स मोल बनेगा हमेशा, अ जनरलाइज्ड कंसेप्ट फॉर ऑल द हाफ सेल गिवन इन द प्रॉब्लम, पार्ट ए में भी और पार्ट बी में भी। ए मोल यदि इसके लेते हैं तो चूंकि कंडीशन दे रखी है, पर हम जानते भी लगभग सारा सारा सिल्वर है, कॉम्प्लेक्स बना लेता, तो एक्स मोल से एक मोल बन रहा है इसलिए ए बाय एक्स मोल। एक बात और हमने देख ली कि अमोनिया एक्सेस में है, वन मोल अमोनिया, दिस लार्ज क्वांटिटी ऑफ अमोनिया, अमोनिया के वाई मोल चाहे दो मोल हो, तीन मोल हो, चार मोल हो, कितने भी मोल कम हो जाए, मगर हम एजी पॉजिटिव इतना कम ले रहे हैं कि अमोनिया की मात्रा में कोई फर्क नहीं आना है। Precisely हम ऐसे लिखेंगे 1 माइनस वाई बाय एक्स ऑफ ए, क्योंकि एक्स मोल वाई मोल से रिएक्ट करते हैं, तो एक मोल वाई बाय एक्स मोल से रिएक्ट करेगा और ए मोल वाई बाय एक्स इंटू ए मोल से रिएक्ट करेंगे, यूनिटरी मेथड। तो इतने मोल प्रिसाइसली बचना चाहिए, मगर इसको लगभग 1 कह दिया जाए, इट हार्डली मैटर क्योंकि ये बहुत लार्ज अमाउंट में, तो ये लगभग सारा सारा कॉम्प्लेक्स बना रहा है, लगभग लगभग मतलब कुछ अमाउंट में फिर भी बचा रह जाएगा, एजी पॉजिटिव कुछ अमाउंट में बचा रह जाएगा हमेशा। अब मगर ये रिएक्शन तो रिवर्सिबल, यदि यह रिएक्शन रिवर्सिबल है तो इस रिएक्शन का एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा जो हमेशा होल्ड करना चाहिए, उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट इसका जब हम लिखने जाएंगे तो ए बाय एक्स लिखेंगे, तो ये ए बाय एक्स एनोड हाफ सेल के लिए लिखा हूं मैं, एनोड हाफ सेल में ए है 0.42 - 3, ए बाय एक्स अपॉन एजी पॉजिटिव टू द पावर एक्स एट एनोड, अमोनिया टू द पावर वाई। ये एनोड के लिए मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होल्ड करवा दिया, ये एनोड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एनोड हाफ सेल के लिए, मगर कैथोड हाफ सेल में भी तो यही कंडीशन है, तो कैथोड हाफ सेल में भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होल्ड करनी चाहिए, तो कैथोड हाफ सेल के लिए भी मैंने यही चीज लिखी ए बाय एक्स, मगर कैथोड में ए ए अलग है, कैथोड में ए की वैल्यू डिफरेंट है, ए बाय एक्स कैथोड पर एजी पॉजिटिव कंसेंट्रेशन टू द पावर एक्स, कैथोड पर एजी पॉजिटिव कंसेंट्रेशन टू द पावर एक्स इंटू अमोनिया टू द पावर वाई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेफिनेशन एनोड हाफ सेल के लिए भी होल्ड करनी चाहिए, कैथोड हाफ सेल के लिए भी होल्ड करनी चाहिए, और दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए, मैं बराबर कर दी, जब इसे बराबर करी तो दोनों से डिनोमिनेटर से एक्स कैंसिल हो गया, -3 कैंसिल हो गया, अमोनिया का कंसंट्रेशन टू द पावर वाई कैंसिल हो गया, और हमें सिंप्लीफाइड मैनर में दिखने लगा एजी पॉजिटिव एट एनोड अपॉन एजी पॉजिटिव एट कैथोड होल्ड टू द पावर एक्स इज 0.4/40 - 100। इधर से आ जाता है एजी पॉजिटिव एट एनोड अपॉन एजी पॉजिटिव एट कैथोड इज इक्वल टू 1/100 टू द पावर 1/x। बस यही तो निकालना था हमें, यही तो हमें चाहिए था, हमने रख दिया E ऑफ सेल तो हमें नहीं रखा 0.1185 वो रख दिया 0.1185 वॉट एवर इज
इक्वल टू माइनस 0.059 log of Ag पॉजिटिव एट एनोड अपॉन Ag पॉजिटिव एट कैथोड इज 1/100 to the power 1/x. अब log का बेसिक एप्लीकेशन log of a टू दी पावर बी इज बी log a, log 100 is 2, log 1/100 is माइनस 2, बस वो कर दिया, ये माइनस हटा दिया, 100 ऊपर लग गया, फिर log 100 को 2 लिख दिया, सीधा सीधा लिखने लग गया मुझको x इक्वल टू 1. कुछ इसी तरह का काम अब आप पार्ट बी के लिए एक बार करके देख लीजिए, बड़े ध्यान से देखिए.